दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफा व सलामुन अला इबादिही लजीना इस्तफा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक अहम टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आंधी और तूफान के वक्त की दुआ। हम और आप देख रहे हैं समुंदर के अंदर तूफान है, ज़मीन के अंदर तेज़ हवाएं चल रही है, तो आप देख लीजिए मुख्तलिफ जगहों पर तूफान के बारे में पता चलता है समुंदरी तूफान आया हुआ है, इसलिए मछुआरों को भी मना कर दिया गया है, सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है, समुंदर किनारे जो लोग बसते हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। आंधी और तूफान के वक्त हम और आप क्या करें, दुआ का भी एहतमाम करें। आइए एक अहम दुआ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी और तूफान के वक्त कौन सी दुआ क्या करते थे? सही मुस्लिम किताबुल इस्तिस्का हदीस नंबर 899, दुआ याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्र मा फीहा व शर्र मा उरसिलत बिह। इसका तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसकी खैर और भलाई का सवाल करता हूँ और जो कुछ उसमें है उसकी, और जो कुछ उसके ज़रिए भेजा गया है उसकी खैर का भलाई का मैं तलबगार हूँ, और उसके शर से, यानी जो तेज़ हवा चल रही है, आंधी और तूफान है, उसके शर से, उसकी बुराई से, और जो कुछ उसमें है उसके शर से, उसकी बुराई से, और जो कुछ उसके अंदर भेजा गया है उसके शर से और बुराई से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इसलिए आंधी और तूफान के वक्त हम और आप अलर्ट रहें, दुआ करते रहें, दुआ का अहतमाम करें, इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये बेहतरीन दुआ थी, इसको याद कर लीजिए, हम सब का बड़ा फ़ायदा है। ऐ अल्लाह, जहाँ भी लोग तूफ़ान में फंसे हों उसको तू निकाल दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।